करते हैं, बड़ी खबर खाटू श्याम जी से है, जहां पर एकादशी के मौके पर आज सुबह खाटू श्याम मंदिर के बाहर भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह 5 बजे के करीब मंदिर के पट खुले थे। दरअसल खाटू श्याम के दर्शनों के लिए देर रात से ही श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए थे, और जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले अचानक से वहाँ भगदड़ मच गई। इस हादसे में 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस भगदड़ में 3 भक्तों की मौत हो गई है। फिलहाल तीनों मृतकों के शवों को खाटू श्याम जी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस हादसे में मृत 2 महिलाओं की शिनाख्त हो गई है। इंदिरा देवी करनाल हरियाणा, ओगजी देवी अलवर के रूप में दोनों मृतकों की शिनाख्त हुई है, जबकि एक महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि खाटू श्याम जी के मासिक मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पट बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी लाइनें वहां लग जाती हैं, और अचानक से जब पट खुलते हैं तो भगदड़ जैसे हालात बन जाते हैं। भगदड़ में घायल होने वालों में श्याम भक्त शिवचरण, मनोहर पत्नी सावरमल, करनाल की रहने वाली इंदिरा देवी पत्नी सुखबीर, अलवर की रहने वाली अनुजी पत्नी मोहनलाल शामिल हैं, और इसमें मनोहर की स्थिति गंभीर है, और उसी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। बाकी का खाटू श्याम जी अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन दुखद हादसा, और ये सुबह जैसे ही जानकारी सामने आई, एक बार ही के लिए सभी को इस खबर को सुनकर ठेस लगा, क्योंकि जन जन की आस्था के केंद्र बाबा श्याम के दर पर इस तरह की दुर्घटना। वही खाटू श्याम जी के हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया। मंदिर परिसर में मची भगदड़ से लोगों की मौत से मैं दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया इस ट्वीट के जरिए साझा की। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगदड़ के बाद लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। देखिए, लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं ऐसी आ रही है, लेकिन दुखद इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि जन जन की आस्था के केंद्र हैं बाबा श्याम। लाखों लोगों का रेला वहां पर अमूमन देखने को मिलता है, कोई नई बात नहीं है जब वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन 3 लोग। और इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, घटना बेहद दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। भगदड़ में घायल हुए श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट, मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें आघात सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे, और भगदड़ में जख्मी हुए श्रद्धालुओं के भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। ये प्रतिक्रियाएं जो किस हादसे के बाद, और देखिए दुख यहां पर सभी को इस चीज का है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की भी प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं ट्वीट, उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया। लिखा, भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, और शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी उन्होंने इस ट्वीट के जरिए की। उन्होंने लिखा, सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि संयम बनाए रखें, संयम की आवश्यकता इस समय में है। प्रशासन त्वरित गति से वहां पर राहत अभियान चलाए और स्थिति को नियंत्रण में करने की प्रशासन कोशिश करे, और प्रशासन का सहयोग भी लोग करें। श्रद्धालु वहां पर जो मौजूद हैं वो प्रशासन को सहयोग करें स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। और अब आपको इस हादसे की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए 3 अलग अलग तस्वीरें सीकर के खाटू श्याम जी में। पहली तस्वीर हृदय विदारक है। तस्वीर ऐसी है, पता नहीं कितने लोगों के पैरों तले ये लोग रौंद दिए गए, क्योंकि अचानक जब भगदड़ वहां मची दीदार के लिए बाबा श्याम के, लोगों को इस चीज का अंदाजा ही नहीं रहा कि उनके पैरों के नीचे कौन आ रहा है। भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई। तो पहली तस्वीर है हृदय विदारक। दूसरी तस्वीर देखिए, ऐसी तस्वीरें यहाँ पर जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती, और विशेष तौर पर एकादशी के दिन वहाँ पर खूब मान्यताओं के तौर पर दूरगामी लोग कई क्षेत्रों से आते हैं, और वहाँ इसी तरह की तस्वीरें जो कि अभी नज़र आ रही है, बाबा श्याम के निशान लेकर पदयात्री लगातार पहुँचते रहते हैं। और तीसरी तस्वीरें जहाँ पर इस घटना के बाद में वहाँ पुलिस के जाब्ते को बुलाया गया, SP वहाँ पर पहुँचे और पूरी घटना पर अब अनुसंधान किया जा रहा है। लेकिन 3 अलग अलग तस्वीरें इस पूरे हादसे को मिला करते हुए। तो खाटू श्याम हादसे